गया, तो भाई हमारे साथ स्कैम हो गया। वाले रहते हो 15-20 मिनट तक इंट्रोगेट किया, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ विजिट किया था और पर्पस ऑफ विजिट क्या था चाइना में, काफ़ी क्वेश्चन पूछे मेरे से। और गाइज आप लोग चाइना के जुगाड़ देख रहे हो, चाइना का जुगाड़ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो भाई अभी मैं निनिंग में हूँ जो कि गुआंगशिंग प्रोविंस का कैपिटल सिटी है और काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है। आपने कल का वीडियो देखा ही होगा, बहुत खूबसूरत सिटी है और यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को। और मुझे ऐसा लगा था कि यार इस कंट्री में अफ्रीकन्स नहीं देखने को मिलने वाले, लेकिन इस कंट्री में पाकिस्तानी और अफ्रीकन्स की इतनी ज़्यादा तादाद में लोग हैं, बहुत सारे अफ्रीकन्स हैं यहाँ पे। मैंने इस सिटी में ही काफ़ी सारे अफ्रीकन्स देखे, देख के कि भाई अफ्रीकन्स हर जगह ही मिल जाएंगे आप लोगों को, जैसे इंडियंस मिल जाते हैं हर जगह। और जस्ट अभी हम लोगों ने चेकआउट किया था, ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो इसके अंदर हम लोग स्टे कर रहे थे। जो ऑनर था उसको हमने 3 दिन का पे किया था, बिकॉज हमारा कुछ आइडिया बैठ नहीं रहा था कब जाना है। तो उसको हमने बोला कि हम लोग 3 दिन रुकेंगे, तो आज हमारा प्लान बना कि यार हम जाएंगे 2 दिन बाद में। तो हमारे को पैसे नहीं दे रही थी, ऐसे बोली कि पैसे नहीं देंगे, हम लोग डिडक्ट करेंगे ATM, तो पूरे ही पैसे लगभग डिडक्ट कर रही थी। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कौन करता, अगर तेरे को पूरे पैसे एडवांस दे दी इसका मतलब ये थोड़ी तुम लोग इस तरीके से करोगे। फिर मैंने उसको धमकी चकाई, मुझको मैं पुलिस कंप्लेंट वगैरह कर दूँगी, मुझे मेरे पैसे चाहिए। भाई 80 यान का मतलब होता है 950,000 रुपये के आसपास होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो कैसे तैसे उससे पैसे लिए, अब हम लोग सीधा यहाँ से वियतनाम बॉर्डर के पास में एक जगह है डोंगशिंग जा रहे हैं, और वहाँ से हम लोग वियतनाम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। बट अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया, एक्चुअली कैलाश का तो वीज़ा आ गया बट मेरा आया नहीं, अदरवाइज़ हम लोग आज ही निकल जाते वहाँ से डायरेक्टली वियतनाम के लिए। तो देखते हैं, डोंगशिंग हमको मंडे या ट्यूसडे तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग वियतनाम निकल जाएंगे। तो शायद अब इस वीडियो के बाद में ना आप लोग एक या दो हार्डली चाइना के वीडियो देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया चाइना सीरीज़ को, होप सो आप लोग ऐसे ही आगे भी प्यार दिखाते रहोगे। और चलो थोड़ा बहुत ट्रेन जर्नी दिखाएंगे और थोड़ा बहुत ऐसे एक्सप्लोर करेंगे। सब लोगों की एक डिमांड थी कि यार आप अपनी ट्रेन जर्नी दिखाया करो, कहाँ से कहाँ जाते हो, तो मेरे को लगा ये वीडियो बनाना चाहिए। वैसे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ दिखाने के लिए है नहीं इस वीडियो में, पर ठीक है, होप सो आप लोग इन्जॉय करोगे इस वीडियो को। तो गाइस जैसे अभी हम लोगों ने ना मटर नूडल ऑर्डर किए थे, कैलाश देखो ऐसा लगता है मटर ही मटर भर के लाया इसके अंदर, मटर से ही टेस्टी बनता है। आंटी ने ना बहुत अच्छे से दिए थे मटर नूडल हमने लोगों ने। ये लोग क्या यहाँ पे नमक और मिर्ची वगैरह डालते हैं ज़्यादा, तो हम लोगों ने यहाँ पे मिर्ची वगैरह डाली है। और ये एक छोटा सा शॉप है, आप लोग देख लो, काफ़ी सस्ता है भाई, 7 यान का है, और क्या चाहिए। हाँ ये है कि पेट तो नहीं भरता पर 7 यान का काम चल जाता है हमारा। खा पी के हम लोग अपने ट्रेन स्टेशन जाएंगे और ट्रेन लेते हैं अपनी। जिंदगी सेट है, जिंदगी सेट है एकदम। भाई चाइना में है ना गर्मी सिर्फ 2 या 3 महीने पड़ती है, लेकिन ऐसी गर्मी पड़ती है ना झुलसाने वाली गर्मी। सही बता रहा हूँ, इंडिया में भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जैसी अभी यहाँ पे फील हो रही है। इंडिया में तो अभी होगी गर्मी बट भाई यहाँ पे भी बहुत तगड़ी वाली गर्मी पड़ती है यहाँ पे। और ये जो निनिंग सिटी है ना बहुत छोटा है, यहाँ पे आपको सिर्फ गिनती के 4 या 5 मेट्रो लाइन देखने को मिलने वाली है, वो भी सिर्फ सिटी के अंदर अंदर है। ये सिटी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग सोचिए काफ़ी बड़ा सिटी है बट इतना बड़ा सिटी नहीं है ये। टिकट विकेट लेते हैं अभी और देखते हैं। जस्ट अभी हम लोग ईस्ट रेलवे स्टेशन में पहुंचे, जो ईस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ से सिर्फ बुलेट ट्रेन जाती है, तो अभी मेरे को यहाँ से टिकट लेना है और अभी तक हम लोगों ने टिकट नहीं लिया है। तो अवेलेबल बता रहा था तो हमने सोचा क्यों ऑनलाइन 600-700 रुपये एक्स्ट्रा दे, बिकॉज अगर आप चाइना आ रहे हो तो trip.com से ईजिली ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। trip.com यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है, बट ये trip.com से अगर टिकट बुकिंग करते हो तो 500-600 रुपये सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लगेंगे आपके। तो हमने सोचा भाई स्टेशन पे जाके ले लेंगे, काफ़ी टिकट अवेलेबल थे, तो मैंने कहा ठीक है भाई स्टेशन से ले लेंगे। तो अभी टिकट लेते हैं, हम लोगों को जो टिकट है वो अराउंड 51 यान का पड़ने वाला है एक पर्सन के लिए। हम लोग यहाँ से लेंगे बुलेट ट्रेन और बुलेट ट्रेन के बाद में हमको डोंगशिंग से डोंगशिंग के लिए बस लेनी पड़ेगी, जो कि 50 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। डोंगशिंग से डोंगशिंग जो है अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास है। तो सोच रहे होंगे भाई ये कैसे वापस बाहर आ गया, तो भाई हमारे साथ स्कैम हो गया। स्कैम क्या हो गया, टिकट मिली नहीं, सब आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, सोल्ड आउट हो गई थी सारी की सारी ट्रेन की टिकट। तो अब हम लोग बस स्टेशन आए, अब यहाँ पर बस लेंगे, बट ठीक है यहाँ से डोंगशिंग के लिए डायरेक्टली बस ले लेंगे। बट अभी डाउट ही है कि हमको बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी डाउट है। ट्रैवल में यही है तुम्हारे प्लान का, तुम्हें कभी पता नहीं लगेगा अभी 5 मिनट बाद क्या होगा,
हमारा जो ट्रिप रहता है ना हमेशा अनप्लान्ड रहता है, हम लोग कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं, कभी प्लान करते हैं किस जगह का, वहाँ से तीसरी जगह निकल जाते हैं। कोई नहीं, टिकट देखते हैं एक बार। तो गाइज अभी हम लोगों ने यहाँ पे टिकट लिए, तो बस टिकट शायद मिल ही गई है हम लोगों को। अभी ये नहीं पता कितने बजे की बस है, बट ये पासपोर्ट स्कैन कर रही है, दैट मीन्स मिल जाएगी टिकट हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली डोंगसिंग जा रहे हैं, हम लोग फेंगयान नहीं जा रहे हैं। तो ये भी ठीक हो गया, फेंगयान से हम लोगों को बस लेनी पड़ती, 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता तब जाके पहुँचते। तो भाई ये देख लो, ये यहाँ का बस स्टेशन है, ये लॉन्ग डिस्टेंस बस स्टेशन है, यहाँ से आप लोगों को लंबे रूट की बसें मिलने वाली है। तो आप लोगों को चाइना की लॉन्ग जर्नी बस राइड दिखाते हैं, और A2 से हमारी बस जाएगी, तो फटाफट से निकलते हैं। और हाँ, A2 लिखा था मैडम ने, मैडम मुझे समझ में नहीं आया यार, 80 यान की है, 80 यान की बस टिकट है, लेकिन उसने हमसे 86 यान लिए हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। भाई आप लोग खुद देख लो, बस स्टेशन काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पे भी बस स्टेशन नॉर्मली नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को सामने जैसे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन होती है उसकी तरह यहाँ पे ऊपर एक बोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, और इस तरीके की चेयर देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आप लोग रिलैक्स कर सकते हो, फ़ोन चार्ज कर सकते हो। हैं, पानी है ना बोतल में भरा है। और ये देखो, ये जो इसके ऊपर QR कोड लगा हुआ है ना, ये इस टिकट के ऊपर है, ये QR कोड वहाँ से स्कैन करके आपको अलाउ करेंगे। चलो देखते हैं भाई कैसा सफ़र जाता है हमारा लॉन्ग जर्नी बस राइड का। देख रहे हो भाई, हमारा ये पासपोर्ट स्कैन करके ही जाने देगी, बिना टिकट तो यहाँ पे स्कैन ही नहीं होता, टिकट को रखा हुआ, अभी हमारा पासपोर्ट स्कैन करेगी तब लेके जाने देगी हम लोगों को। विच बस, विच बस खोल दे मैडम। भाई ये हमारी बस है, ये देख लो, ये 1 बजे जाएगी, डोंगक्सिंग बस स्टेशन है यहाँ से। यहाँ देखो, ये सब लंबे रूट की बसें हैं, जितनी भी आप लोगों को बसें दिख रही है ना, सिटिंग है ये, स्लीपिंग बसें नहीं है। पता नहीं क्या लिखा तेरी में, मेरी में 18 लिखा है। कहीं पे बैठ जाओ, खाली जाएगी वैसे भी है, आएंगे तो उठ जाएंगे उसमें क्या। तो भाई कहीं पे बैठ जाते हैं, 18 सीट है मेरी वहाँ पे कैलाश के बगल में, पर इधर पीछे बैठते हैं आराम से, फुर्सत से पानी पिलाता हूँ तुझे। ये है बस, काफ़ी कंफर्टेबल बसें लग रही है मुझे, ऊपर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे टीवी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, और ये आप लोगों को सीटें देखने को मिल जाएंगी। तो ठीक है, काफ़ी ठीक ठीक है। बस चाइना की जो बसें हैं ना, नॉर्मल बसें नहीं है यहाँ पे। जैसे बस स्टेशन को हमने क्रॉस किया था तो बाहर चेक पॉइंट बना हुआ था, चेक पॉइंट में 2 गार्ड आए, गार्ड ने एक एक सीट अच्छे से चेक की, और जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी उनको बोल के गया सीट बेल्ट लगाओ, और तब जाके उन्होंने बस को जाने दिया। तो आप सोचो कि यहाँ पे बसों में भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि यार इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी ये लोग बस में भी देखते होंगे। बस में देखो चेक पॉइंट था, हमारा लगेज वगैरह सारा चेक किया, तब जाके हमको अलाउ किया बस स्टेशन के अंदर, और फिर हमारी टिकट पासपोर्ट सब चेक करके हम लोगों को बस में बैठने दिया, और बस में भी बस लीव की जब बस स्टेशन से, तब भी इन्होंने काफ़ी कुछ चेक किया। तो है, चाइना इज़ वेरी सेफ कंट्री, रियली वेरी सेफ कंट्री। देखो यहाँ के ये टोल प्लाजा, यहाँ पे बस को रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत फास्ट काम करते हैं यहाँ के टोल प्लाजा, विद इन 1 सेकंड के अंदर इन्होंने गेट खोल दिया था, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये सामने कोई एक छोटी सी सिटी है, अभी हम लोग फेंगयान सिटी है वहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये सिटी बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आप लोग काफ़ी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब पूरी सिटी में बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं। ये देखो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े अपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे पूरी सिटी में, और नीट एंड क्लीन, इस तरीके की जो बाइकें आप लोगों को मैंने दिखाई थी ना निनिंग में, इस तरीके की खूबसूरत बाइकें देखने को मिल जाएंगी, और सिटी बहुत नीट एंड क्लीन है एक्चुअली इन कंपेयर टू अदर चाइना सिटीज़।
काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है। चाइना में कहीं भी चले जाओ ना, आप लोगों को साफ़ सफाई तो हर जगह मिलेगी, और बाकी आप खुद ही देख के बता दो भाई सिटी अच्छी है कि नहीं। काफ़ी अच्छी है, इस तरीके से आप लोगों को नीट एंड क्लीन चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिल जाएंगी। अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा लगा सिटी को देख के। गाइस फाइनली हम लोग चाइना के लास्ट टाउन में पहुंच गए डोंगक्सिंग, और यहाँ से 2 किलोमीटर है मोंगकाई बॉर्डर, और पता नहीं मेरा वीज़ा आएगा तभी हम लोग जा पाएंगे मंडे या ट्यूसडे को, कल या फिर परसों जा पाएंगे यहाँ से। और भाई मैं बता रहा हूँ ना, फेंग चांग जो टाउन था इससे जस्ट पीछे 50 किलोमीटर पीछे एक टाउन था, वो इतना खूबसूरत टाउन था ना भाई। आंटी है ना 50 बोल रही है, मैं आंटी को बोल रहा हूँ 50 ना, इट्स टू एक्सपेंसिव, 50 60 बोल रही है, बताओ 50 इज ओके, इज गुड 60 दे दे रही है आज, क्या ही फर्क पड़ता है, 60 दे दे, ओके 60 ओके ओके सिक्सटी 70 रूम कैसा है, रूम तो दिखाओ पहले। तो गाइज ये है डोंगक्सिंग सिटी, जो कि इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, आपने अगर देखा होगा तो पूरे चाइना के अंदर आप लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलेगी, यहाँ पे लोगों के पास खुद के घर हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, यहाँ पे लोगों के पास खुद के पर्सनल घर हैं। ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं ना तो वो घर घर नहीं होता, बिकॉज चाहे तुम अपार्टमेंट 1 करोड़ का भी खरीद लोगे ना तो ऐसा फील नहीं आता कि यार मेरे पास खुद का पर्सनल घर है। ये होटल लिया है 60 यान का लिया, जो कि हम लोगों को 700 रुपये के आसपास पड़ने वाला है, तो 300-350 रुपये पर पर्सन पड़ गया, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत रीजनेबल रेट में मिल गया। निनिंग में तो भाई साहब वो मैडम ही चोरी थी, उसने हमको बहुत लूटा, सही बता रहा हूँ, इसका हमने डबल पे किया था वहाँ पे। अच्छा हुआ हम लोग ने वहाँ से छोड़ दिया, अभी वीज़ा अगर कल आ जाएगा तो कल शाम तक हम लोग यहाँ से लीव कर जाएंगे। ये रूम है हमारे, यहाँ पे कैलाशा पड़ा है। Hey guys, कैसे आप सब लोग, आई होप यू ऑल आर गुड।
इंसान ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, हो सकता है कि हमारा लास्ट वीडियो हो साथ में। सही बोल रहा है भाई, हो सकता है हमारा ये लास्ट वीडियो। बाकी ये रूम है हमारा और बस ठीक है। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले थे और ये जो सिटी है ना बहुत प्यारी है, इतनी बड़ी सिटी नहीं है, छोटी सी सिटी है। यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को नहीं मिलेंगी, सबके पर्सनल घर हैं और घर भी इन्होंने तीन तीन चार चार मंजिल के घर बना रखे हैं और सब में अपार्टमेंट बना रखा है। होटल बना रखे इन्होंने सब में। और यहाँ पे टैक्सी में बता रहा हूँ किस तरीके से चलती है, बाइक टैक्सी बहुत फेमस है यहाँ पे। ये देखो ये जो इस तरीके के जा रहे हैं लोग, ये शेड शेड बना रहे हैं। देखो ये लड़का ये बाइक टैक्सी ले, ये बाइक टैक्सी है। गाइज आप लोग चाइना के जुगाड़ देख रहे हो, ये चाइना का जुगाड़ है। जबरदस्त है भाई साहब, चाइना में आप लोगों को ना इस तरीके के जुगाड़ देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे देखने को मिले हैं। और बाकी मैं आप इस सिटी की बात करूँ ना तो ये सिटी बहुत प्यारी है। यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके के छोटे छोटे घर मिल जाएंगे, पर्सनल घर हैं ये, किसी ये कोई अपार्टमेंट नहीं है, लोगों के पर्सनल घर हैं। और सबसे जो ऊंची बिल्डिंग मिली है ना मुझे ये सामने यही मिली है, और कुछ गिने चुने अपार्टमेंट वो सामने बने हुए हैं। देखो बहुत ही जल्दी इस सिटी को भी बुलेट ट्रेन से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अभी तक यहाँ पे ट्रेन नहीं आती है, यहाँ पे सिर्फ बस ही कनेक्टेड है। बिकॉज इससे पीछे 50 किलोमीटर पीछे एक टाउन आया था, काफ़ी ब्यूटीफुल टाउन था वो, फेंगयांग टाउन था, वहाँ तक तो ट्रेन आती है बुलेट ट्रेन। आप लोगों में चाइना की है ना नॉर्मल ईंटें बताता हूँ, मैंने पूरे चाइना में ना सीमेंटेड ईंटें देखी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिट्टी की ईंटें देखी है। लेकिन ये प्योर मिट्टी की ईंटें भी नहीं है, पकाई हुई है, जैसे अपने भट्टे में ईंटें पकाते हैं ना, सेम ऐसे ही ईंटें पकाई हुई है। लेकिन खास बात इनकी ये, अपने इंडिया की ईंटों को ना ऊपर से फेंकेगा ना तो टूट जाएंगी। ये देखो भाई कितना भी ऊपर से फेंक ले टूटेगा नहीं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, ये जो है ना इसके अंदर ये देखो कंक्रीट भरा हुआ है, ये अलग अलग जो कंकर है ना कंकर से भरे रखे हैं। और अगर आप लोग देखोगे ना ये ईंट तो दिखाता हूँ आपको, ये ईंटें पका रखी है। देखो आपको ये कालापन दिख रहा है ना, इसका मतलब ये ईंटें पका रखी है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये क्या बोलते हैं इनको, कंकर भरे हुए हैं, इनके अंदर कंकर भरे हुए हैं। तो ठीक है यार, यहाँ की ईंटें काफ़ी अलग है अपने कंपेयर टू इंडिया, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने मिट्टी की ईंटें देखी है। अदरवाइज़ यहाँ पे पूरे चाइना में ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये सीमेंट देख रहे हो, इसकी बनी होती है, सीमेंटेड ईंटें रहती हैं यहाँ पर। गाइज आप लोग देख रहे हो ऊपर क्या है, ये झाग सा छोड़ता है ना वो मशीन चल रही है, तो बच्चे देखो कैसे मजे ले रहे हैं। भाई साहब बच्चों की ज़िंदगी सेट है यहाँ पे, ये देखो बच्चे कैसे मजे ले रहे हैं। इसका बोलते हैं पीसफुल लाइफ। वो देखो वो देखो ये देखो। वो छोटी सी मशीन है ना, उसमें से क्या वो अपन स्प्रे छड़क के ना शादियों में झाग निकलते हैं, वैसा कुछ चल रहा है। तो गाइस जस्ट अभी हम लोगों ने डिनर किया है, कैलाश तो केएफसी में तंगड़ियां तोड़ रहा है और मैं यहाँ पे फ्राइड राइस खाया था एक शॉप की साइड में, पेट भर गया है और ठीक था, काफ़ी खाना काफ़ी अच्छा था, इतना बेकार नहीं था। बाकी फ्राइड राइस ही थे, उसके अंदर वो घास फूस ही डालते और कुछ नहीं डालते। फ्राइड राइस यहाँ पे सिर्फ घास फूस डालते और वो फ्राइड राइस दे देते, वेजिटेबल फ्राइड राइस। और होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा कुछ खास था नहीं इस वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अपने नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।